कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस महामारी के नियंत्रण हेतु प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप जिला दंडाधिकारी हमीरपुर देशव्रता वनिक ने आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार उपमंडल स्तर पर पूर्व में गठित फ्लाइंग स्क्वाड व टास्क फोर्स सभी समारोह, विवाह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित की शत प्रतिशत चेकिंग करेंगे। फ्लाइंग स्क्वाड में किसी एक विभाग का अधिकारी गाड़ी के साथ नियुक्त रहेगा। कोविड 19 निर्देशों की अनुपालना में कोताही बरतने वालों के विरुद्ध ये फ्लाइंग स्क्वाड पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगी। संबंधित क्षेत्र के SHO को इन फ्लाइंग स्क्वाड के साथ दो पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के निर्देश भी दिए गए हैं। टास्क फोर्स के मुखिया एवं उनके साथ नियुक्त पुलिसकर्मी कोविड 19 मानक संचालन प्रक्रियाओं की अवहेलना करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगे। इसके साथ ही संगरोध आवश्यकताओं एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के मद्देनजर अंतर्राज्यीय आवागमन करने वाले सभी लोगों की निगरानी कोविड 19 सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को जिला में प्रवेश से पूर्व ई कोविड 19 सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उनके आने से संबंधित सूचना संबंधित SDM, BDO, स्थानीय पंचायत अथवा शहरी निकायों के साथ साझा की जाएगी, ताकि वह संगरोध एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से संबंधित आवश्यक कार्रवाई कर सकें। आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के अलावा राज्य के भीतर एवं एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।